हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम नकुल था और दूसरे का नाम सोहन था। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार की बात है, दोनों ने मिलकर एक बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि नकुल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह उनका समय व्यतीत होता चला गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। उस फसल को उन्होंने बाजार में जाकर बेच दिया और उस फसल से उनको बहुत सारा पैसा मिला। घर पर आकर सोहन ने नकुल को कहा, नकुल, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में बहुत मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल ने सोहन से कुछ नहीं बोला और आराम से वहां पर बैठ गया। और सोहन ने कहा, मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इस तरह हमें अच्छी फसल प्राप्त हुई। तभी सोहन ने कहा, मैंने फसल उगाने के लिए रात दिन एक किया है, तभी तो हमारी इतनी अच्छी फसल हुई और इतने अच्छे दाम में गई, तो इसका आधा हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास गए। और उन्होंने मुखिया को सारी बात बताई। यह बात सुनकर मुखिया ने दोनों को एक एक बोरा चावल का दे दिया, जिसमें बहुत से कंकड़ मिले हुए थे। और तभी मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। और यह बात सुनकर दोनों ने एक एक बोरी उठाई और अपने घर को चले गए। और सोहन ने रात भर जाकर चावल में से कंकड़ निकाली। नकुल ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर और वह अपने बिस्तर में जाकर सो गया। जब नकुल सुबह उठा और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस चावल में से कंकड़ सब अलग कर दो। और अगले दिन जाकर सोहन ने जितने कंकड़ अलग किए थे और चावल को अलग किया था, वो सब जाकर मुखिया को दिखाया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गया। और फिर नकुल ने जैसी बोरी लेकर गया था, वैसी ही बोरी मुखिया के सामने रख दी। और तभी मुखिया ने नकुल को कहा, अब दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। तभी नकुल ने कहा, मुझे भगवान पर भरोसा है कि मेरे पूरे चावल साफ हो गए होंगे। जब चावल का बोरा खोला गया तो उसमें कंकड़ और चावल वैसे के वैसे ही थे। तभी जमींदार ने नकुल को कहा, भगवान भी तभी सहायता करता है जब तुम मेहनत करते हो। और जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।